नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे वॉरेन बफे की पहल, जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, हर घर वॉरेन बफे की पहल। उस वीडियो की श्रृंखला का यह आठवां वीडियो है, एट्थ वीडियो है। मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह सीरीज को स्टार्ट किया था, यानी सेप्टेम्बर 16 से स्टार्ट किया था। आज हम अप्रैल में खड़े हुए हैं, तो अप्रैल में आते आते अब हम 8 महीने से इस वीडियो को कंटिन्यूएशन पे रखे हुए हैं। आज रिदम भी है मेरे साथ, तो आज हम वीडियो को तो हम बात करते ही हैं, एग्जीक्यूशन तो करते ही हम कि कहाँ इस महीने SIP कर रहे हैं। SIP करने का और मेरा ये वीडियो शूट करने का क्या मकसद है, सिर्फ ये है कि आप भी मेरे साथ एक डिसिप्लिन फॉलो करें, एक रूल को फॉलो करें और कंटिन्यूस बेसिस पे इन्वेस्टिंग जारी रखें, क्योंकि लंबे समय तक एक ही रास्ते पर चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जर्नी को कंटिन्यू रखना है। और हमेशा की तरह मैं एक कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, बड़ी प्यारी, और उसमें रिदम भी मेरा साथ देगी और आप लोगों को शायद इन्वेस्टिंग जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं उनको प्रेरणा भी मिलेगी इन्वेस्टिंग करने की। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट को भी प्लान करना चाहिए और फ्यूचर को भी करना चाहिए। और फ्यूचर को प्लान करने के मकसद से ही इस वीडियो की श्रृंखला को स्टार्ट किया गया है, हर घर वॉरेन बफे की पहल। तो चलिए करते हैं प्यारी सी कहानी की शुरुआत। एक बढ़िया सा जंगल रहता है, एक बढ़िया सा जंगल रहता है। उस जंगल में एक टिड्डा रहता है। टिड्डा तो आप लोगों को पता ही होगा ना, हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको टिड्डा मत बोलिए, उसको ग्रास हॉपर बोलिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे टिड्डा बोलना ही अच्छा लगता है। टिड्डा का मतलब पता है आपको क्या होता है? क्या पापा? टिड्डा एक ऐसा इंसेक्ट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी स्टडीज में, साइंस में इंसेक्ट्स पढ़ा है ना। हाँ। तो एक तरह का इंसेक्ट होता है वो, जो फसलों को खा जाता है। फसल यानी जो खेतों में जो फसल होती है उनको खा जाता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, तो वहां से उसका खाना होता है। तो टिड्डा ही बोलते हैं अपन इस वीडियो में, तो ज़्यादा आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी बोलने में मज़ा आएगा। तो जो टिड्डा रहता है वो मौज मस्ती करता रहता है, बढ़िया सा प्यारा सा जंगल रहता है, बढ़िया खेत रहता है, उस खेत में मौज मस्ती करते हुए उसको एक दिन दिखती है चींटी। चींटी एक गेहूं का दाना लेके जाती रहती है अपने, अब ये जो जानवर होते हैं ये अपने अपने घर बना के रखते हैं, जहाँ पर कभी बारिश आए, कुछ आए, रात में सोना रहे, कुछ भी करना रहे, तो वहाँ पर जाके अपने घर में सो जाए। जैसे हम अपना घर बनाते हैं वैसे वो भी अपना घर बनाते हैं। तो चींटी को जाते हुए देखता है अनाज का दाना लेते हुए और मुस्करा कर उस चींटी को पूछता है, भरपेट खाना खा लेना तू आज, बढ़िया से दबा के खाना तुझे मिल गया है। और टिड्डा अपना अब अपन अपने घर में मौज मस्ती करने के लिए क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, वो भी अपने उसमें सुनता रहेगा मालूम नहीं, लेकिन गाना बजाना डांस करना यही उसकी लाइफ रहती है। थोड़ी देर में फिर से देखता है वो चींटी को, एक बार तो जा चुकी थी वो चींटी, फिर से देखता है वो चींटी गेहूं का दाना उठा के लेके जाती रहती है और बड़ी जल्दबाजी में रहती है, भागती रहती है। तो टिड्डा परेशान हो जाता है। वो टिड्डा वापस से पूछता है चींटी से मुस्कुराते हुए, अरे तू इतनी भागी भागी क्यों जा रही है, चल आज मेरे साथ डांस वांस कर, मौज मस्ती करते हैं, कहाँ तू पड़ी हुई है इन सब काम में। चींटी कहती है, मुझे अभी ये अनाज इकट्ठा करना है ताकि मैं अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर कर सकूं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिंग करते हैं। जैसे वो चींटी अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर करना चाहती है, किन चीज़ों से, कि बाद में मौसम खराब होगा, अनाज नहीं मिलेगा, तो वो चींटियों का झुंड, पूरी चींटियां सारा अपना धीरे धीरे अनाज अपने बिलों में लेके जाती रहती है, ताकि मौसम की खराबी में और अनाज न मिलने की अवस्था में उसके पास अनाज इकट्ठा रहे और उसके परिवार वालों को अनाज मिलता रहे। और उसके साथ उसका एक और दायित्व वो फील करती है कि समाज में भी जिनके पास नहीं है उनकी भी मदद कर पाए, ठीक है। तो लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसकी चींटी की बात को इग्नोर कर देता है। चींटी कहती है, फिर से चींटी को इंसिस्ट करता है वो कि आ जाना, कहाँ लगी हुई है तू, मस्त प्रेजेंट में जी, प्रेजेंट में मौज मस्ती कर, खाना पीना खा और मौज मस्ती कर। चींटी कहती है कि जिस अभी अगर हमने अभी काम नहीं किया तो हो सकता है भविष्य में हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। लेकिन टिड्डा समझता नहीं है, उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि भाई आज मौज मस्ती करते हैं, कहाँ आगे का ध्यान रखना। अब चींटी की सलाह को अनसुना तो कर ही देता है वो। अब धीरे धीरे सर्दियाँ आने लगती है,
सर्दी आने लगती है, धीरे धीरे अनाज कम होने लगता है, यानी उनको खाने पीने का सामान कम मिलने लगता है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है टिड्डे से कि भाई हाँ मुझे आज खाना मिल गया, खाता पीता मस्त मौज करता और वापस से अपने दिन का खाना ढूंढता, खाना खाता पीता और मौज मस्ती करता। उसको उस समय भी समझ में नहीं आ रहा था कि खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में कोई भी परिस्थिति से सामना करने के लिए हमें प्रेजेंट में रेडी होना चाहिए, और यही हमें सीखना है कहानी से। तो उस समय तक तो बढ़िया चलता रहता है सब, लेकिन जब ज़्यादा सर्दियाँ आने लगती हैं तो अनाज का अकाल पड़, यानी अनाज मिलना एकदम ना के बराबर हो जाता है। और जब बारिश होती है, आंधी तूफान आती है, तो यूजुअली ये जो जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, ये अपने अपने बिलों में पड़े रहते हैं और जो खाना इकट्ठा करते हैं उसको खाते रहते हैं। अब भयंकर वाली सर्दी चालू हो जाती है और वो टिड्डा परेशान, तो अब उसको वो चींटी की बात याद आती है कि उस चींटी ने मुझे बताया था कि इस परिस्थिति में आने के पहले ना आने की वजह से वो उस समय काम कर रही थी, लेकिन वो टिड्डा उस समय उसकी बात को समझता नहीं है। जब उस प्रॉब्लम में आ जाता है जब वो, तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो चींटी जो कह रही थी वो बहुत सही बात कर रही थी। यहाँ पर भी इंटेलिजेंस आप लोगों को इन्वेस्टिंग करने के लिए कहता है, ताकि भविष्य वर्तमान में प्लान करेंगे भविष्य का, ताकि भविष्य को हम सिक्योर कर सकें, कोई भी परिस्थिति आए उससे लड़ सकें, कोई भी दिक्कतें आए उसका सामना कर सकें। चलिए टिड्डे पे वापस आ जाते हैं। अब टिड्डा भूखा प्यासा पिलपिलाता रहता है, बहुत परेशान वो टिड्डा घूमते रहता है। अचानक से उसको वो चींटी नज़र आती है, घूमते फिरते खाने की तलाश में घूमता रहता है, चींटी नज़र आती है, तो चींटी के बिल के पास जाता है वो और देखता है यार बूढ़ी बूढ़ी चींटियाँ मस्त धूप सेक रही हैं दोपहर के टाइम में, और बच्चे चींटियों के बच्चे एकदम मौज मस्ती करके अपने गार्डन में आंगन में खेल रहे हैं, और वो जो चींटी जो उसको मिली थी, जिस चींटी से उसने बात की थी, और वो चींटी बढ़िया अपना खाना पेल रही है, यानी खाना खा रही है। वो उसको देख के हैरान हो जाता है, चींटी को चींटी के घर पे जाता है, बोलता है कि चींटी बहन, मैंने तेरी बात उस समय नहीं मानी, मेरे को प्रॉब्लम में आ गया हूँ और शायद मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। चींटी की बात वो नहीं माना टिड्डा, उसने खाना इकट्ठा नहीं किया, इसलिए क्या किस में आ गया वो, परेशानी में आ गया वो। अब वो परेशानी में आ गया तो चींटी के पास हेल्प मांगने जाता है कि मुझे मेरी हेल्प कर दे, मुझे खाना नहीं मिल रहा है तो अब मुझे खाना चाहिए थोड़ा। और तो चींटी उसको खाना तो देने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो जाती है, लेकिन वो चींटी कहती है लेकिन तुझे मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। क्या प्रॉमिस? हाँ, वो चींटी कहती है कि आज मैं तुझे खाना दे दूंगी, लेकिन भविष्य के लिए, फ्यूचर में कभी भी अपने वर्तमान के साथ, वर्तमान को एंजॉय करो, यानी प्रेजेंट को एंजॉय करना है हमको, लेकिन साथ ही साथ हमको फ्यूचर की भी प्लानिंग करना है। टिड्डा एकदम मायूस सा, नर्वस सा, सिर झुका के उसकी बात को मान क्या एक्सेप्ट ही कर लेता है, सिर्फ सिर हिलाता है, कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो शर्मिंदा इतना होता है कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते कि हाँ भाई चींटी मेरे से गलती हो गई, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करता है। वो चींटी कहती है कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आ जाओ, बढ़िया दोनों बैठ के खाना खाते हैं और उठते हैं वहाँ से। तो कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है आज, हम लोग आप लोगों को देखिए, हम लोग एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप में, हम में सारे लोगों में से 90% लोगों के पास इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा नहीं है, या फिर उतना ही कमाते हैं जितना उनका खर्चा है। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीतियाँ लेके आते हैं, कमोडिटीज़ की रणनीतियाँ लेके आते हैं, इंडेक्स के लेवल्स देते हैं, ताकि आप उनको इस्तेमाल करके क्या बना सकें, प्रॉफिट, क्या बना सकें, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को इन्वेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर सकें, ताकि जैसे उस टिड्डे को भविष्य में प्रॉब्लम, भविष्य उसको, देखिए आज आप लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग तो इन्वेस्टिंग में आ गए हैं, लेकिन जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, या फिर जो लोग ऐसे लोग जो जुड़ने के बाद भी इन्वेस्टिंग में नहीं आ पाए, मैं उन लोगों के, उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग प्रॉफिट बनाइए और प्रेजेंट को भी इन्जॉय करिए और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग भी करिए। देखिए बुरा समय कभी किसी को बोल के नहीं आता है, और मैं एक और मेरा इंटेंशन है जो मैं बहुत बार कह भी चुका हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आपको एज ए फादर और एज ए मदर कभी कोई आप लोगों को ये बोले कि पापा आपने हमारे लिए किया क्या है। और अगर आप ये इन्वेस्टिंग जारी रखते हैं और जब इसको कंपाउंडिंग ग्रोथ देखते हैं इस इन्वेस्टिंग में, तो आप लोग जानेंगे
अगर मान लीजिए जैसा मेरा सपना है आप सबके लिए कि आप जैसे मैं 40,000 रुपये की SIP करता हूँ, आप लोगों के साथ ही करता हूँ और एक स्पेसिफिक डेट में करता हूँ ताकि सब कुछ बराबर चलता रहे और आप भी मेरे साथ डिसिप्लिन में रह के उसको इन्वेस्टिंग करें, ताकि अगर 40,000 रुपये करते हैं तो हो सकता है 125,000 करोड़ रुपये बने। अब आप बताइए 125 करोड़ अगर बन जाता है तो क्या आपके बच्चे, मेरे बच्चे हमको ये कह पाएंगे कि पापा आपने हमारे लिए किया क्या है? क्या वो कहोगे? क्या नहीं कहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी कोई ये ना बोले कि पापा मम्मी आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है। तो बस इन्वेस्टिंग जारी रखिए और इस टिड्डे की तरह हमें वर्तमान, सिर्फ वर्तमान में खुश नहीं रहना है, वर्तमान में भी खुश रहना है और भविष्य की भी प्लानिंग करनी है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन में हो हमारा परिवार, हम कोई भी सिचुएशन में हो, हमारे समाज में ऐसे लोग जिनको ज़रूरतें हैं उनकी भी मदद कर पाएँ। वो चींटी अपने पूरे समाज के लिए भी इकट्ठा कर रही थी वो खाने को, ताकि किसी को भी कभी कोई भूखमरी का सामना ना करना पड़े, कभी कोई मरे ना। मैं भी यही चाहता हूँ मेरे पूरे इंटेलिजेंस परिवार के हर किसी सदस्य के पास 125,000 करोड़ रुपए रहे और पैसों का एक इतना बड़ा भंडार रहे कि आप लोगों को आज नहीं 10 साल 20 साल 30 साल बाद कम से कम एक बार, मैं रहूँ या ना रहूँ, कम से कम एक बार आपके मुँह में आए ये सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से हुआ है। तो चलिए आगे करते हैं हम इस 8वीं श्रृंखला के वीडियो का एग्जीक्यूशन और आशा करता हूँ आप लोगों को एक कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब हम करते हैं एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों अब हम करेंगे एग्जीक्यूशन, यानी कि अब अप्रैल मंथ में आज 17 तारीख 2023 लेट हो चुका हूँ, सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं, तो पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ आगे की। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर मैं अपने पहले आप लोगों को एक ये बता दूँ कि देखिए 17 तारीख 3:27 अभी हो गए हैं, 40,000 रुपये अभी ऐड किए मैंने कुछ 38 मिनट पहले। अब मैं आपको इस अकाउंट में लेके चलता हूँ। पहले तो हम पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन कुछ भी नहीं है और टोटल होल्डिंग आप देख सकते हैं 2,79,603 का है, जिसका करंट वैल्यू अभी 284,748 का है। तो इस महीने के पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर बाकी आगे मार्केट बंद होने के पहले एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होगा, फिर बातें आगे की करेंगे। तो इस महीने एलोकेशन हमने पिछले महीने और उसके पहले महीने में कुछ चेंजेस किए थे, सिर्फ एलोकेशन में, स्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं किए थे। इस बार हम पहली बार जो एलोकेशन किए थे उसी को रिपीट करेंगे। तो 40,000 रुपये हैं, 40,000 रुपये को हमको 3 स्क्रिप्ट में, यानी 3 जो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है उसमें बाय सेल करना है। तो 20,000 रुपये के निफ्टी 20 लूँगा मैं। तो आप लोगों के सामने पहले तो ये स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, वॉचलिस्ट 3, वॉचलिस्ट 4, वॉचलिस्ट 5, वॉचलिस्ट हर घर वॉरेन बफे, तो ये आप लोगों को दिख चुका है। तो यहाँ पर निफ्टी को मैं यहाँ पर 20,000 / 194, तो 193 का भाव मिल रहा है मुझे। तो ये करीब करीब 103 यूनिट मेरे बाय कर सकता हूँ मैं। ये 103 यूनिट का ऑर्डर पंच किया, शायद एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, चलिए बाकी के ऑर्डर डाल देता हूँ पहले मैं। दूसरा 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे ICICI बैंक में। तो 10,000 / 904 के लगभग का रेट है, तो 11 यूनिट के आसपास आएगी। अच्छा 900 हो गया लाव माल, ये ऊपर NSC सिलेक्ट किया हुआ है, तो 11 यूनिट के लगभग मेरे ये बाय हो जाएंगे। ये कम्प्लीट हो चुका है ऑर्डर। और 10,000 रुपये के हम लोग बैंक बीज लेंगे, तो ये बैंक बीज 10,000 / 427, तो ये आते हैं 24 यूनिट के आसपास आते हैं। तो ये 24 यूनिट ये भी एग्जीक्यूट किया मैंने, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो 23 यूनिट करते हैं इसको, कुछ पैसे कम पड़ गए होंगे। ये 23 यूनिट एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे ओपन ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, सब एग्जीक्यूट हो चुका है। आज का ऑर्डर देखेंगे एग्जीक्यूट, 23/23/24 का रिजेक्ट हुआ, 11/11 ये एग्जीक्यूट हो चुका है, 103 बैंक निफ्टी बीज बाय हो चुके हैं। तो अब हम ये देखें ज़रा, यहाँ पर 322 रुपये हमारे बच चुके हैं। तो 322 रुपये हम क्या ले सकते हैं वो देख लें एक बार। वैसे मेरा बैंक बीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आगे फ्यूचरिस्टिक अगर मैं बात करूँ तो, ये हर घर वॉरेन बफे, तो बैंक बीज आ नहीं सकता, 300 रुपये के आसपास है। तो हम यहाँ पर एक निफ्टी बीज ले लेते हैं, ये निफ्टी बीज ले लिया। अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसको 193.90 कर देते हैं, तो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमारे पास कुछ बच्चे हैं 128 रुपये, अब 128 रुपये में कुछ नहीं आ सकता। तो चलिए अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्या स्टेटस है। देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव आए,
मार्केट जैसा आपने देखा अभी, खैर 7 सेकंड में मार्केट बंद हो जाएगा, मार्केट में बीच में उतार चढ़ाव आए। पिछले ऑलमोस्ट सितंबर से मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने वो गए, 3 महीने मार्च तक गए, यानी 7 महीने या 8वें महीने की आठवां इस श्रृंखला का, इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इस 8 महीने में हमने बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव देखे। पिछले महीने के वीडियो में शायद ये पोर्टफोलियो माइनस में भी गया था, लेकिन माइनस में था तो वो मुझे ज़्यादा हैप्पी कर रहा था, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में हैं इन्वेस्टिंग की, और अगर इनिशियल स्टेज में माइनस में आता है पोर्टफोलियो तो वो मैक्सिमम टाइम लाभकारी होता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग ग्रोथ आने के पहले हमारा लोअर लेवल में एग्जीक्यूशन होते हैं, तो लोअर लेवल की बाइंग एक्यूमुलेट हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं 5,110 रुपये के आसपास का पोर्टफोलियो है, 1.83 का प्लस दिखा रहा है, आज का माइनस डे माइनस दिखा रहा है 391। तो ये थोड़ा सा खुशी भरा मौका है, उसकी वजह क्योंकि आज मार्केट गिरा हुआ है, यानी कि हमें आज अभी जो भी लास्ट थर्सडे के बाज़ार बंद थे, फ्राइडे के, सैटरडे बंद था, संडे बंद था, इसी वजह से मैं 15 तारीख को शूट करने की जगह 17 तारीख कर रहा हूँ। तो 1.83 प्लस है, मैं तो चाहता हूँ बाज़ार और 2-4 महीना यहीं रहें, ताकि लोअर लेवल की हमारे पास होल्डिंग रहे। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी उस टिड्डे की और उस चींटी की? चींटी थी जो अपनी मेहनत कर रही थी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने समाज में रहने वाले लोगों के की हेल्प करने के लिए, और जो भी वृद्ध लोग होंगे उस चींटी परिवार में उनके मौज मस्ती के लिए। आज मेहनत कर लो ताकि भविष्य साकार हो, आज चीज़ें जमा कर लो ताकि भविष्य में वो बेनिफिट दें। वो टिड्डा बात नहीं समझ पा रहा था, और टिड्डा मौज मस्ती में उस टाइम को निकाल दिया, और टिड्डे को जब वो मौसम ख़राब वाला मौसम डेवलप हुआ, जब मौसम ख़राब होने लगा, जब खाने का अभाव होने लगता, जब वो सिचुएशन पैदा हुई, तो उस टिड्डे के पास नहीं था, तो अल्टीमेटली टिड्डे को चींटी का शरणार्थी बनना पड़ा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी आप मिडिल क्लास से हैं, रिच क्लास से हैं, और अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग और इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बड़े गौर से सुनिएगा मेरे शब्दों को, अगर आप मिडिल क्लास से हैं, अपर मिडिल क्लास से हैं, और कुछ हद तक रिच क्लास से भी हैं, और अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले 20-30 साल में उस क्लास को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और जो लोअर लेवल का, जो निम्न श्रेणी का या फिर गरीब बंदा है, यानी पुअर क्लास से जो बिलोंग करता है या फिर लोअर मिडिल क्लास से भी बिलोंग करता है, और अगर वो इन्वेस्टिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करता रहेगा, तो यहाँ पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास को भी बीट कर देगा 20-30 साल में। ये मेरे शब्द को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे हमारी पूंजी को घटा देता है। तो हम इसी तरह से इन्वेस्टिंग को जारी रखेंगे। मैं चाहूँगा मैं, मेरा परिवार, आप लोगों की इस इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे साथ दे आप लोगों का, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि 40 साल मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन ये वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि हम एक डिसिप्लिन को फॉलो करें। डिसिप्लिन को फॉलो करने के बाद ही हम इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मनमानी नहीं चलेगी, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी 1 तारीख को कर लिया, कभी 15 तारीख को कर लिया, इस तरह से कभी भी बड़ा कैपिटल या फिर बड़ी वेल्थ नहीं बनाई जा सकती। तो इस वीडियो को बनाता ही मैं इसलिए हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ सीरियस मोड पे काम करते रहें। बाकी भविष्य बताएगा कि किसके घर में पैसों का भंडार है, आपके बच्चों के, या फिर जो नहीं कर रहा है उसके। मुझे यकीन है जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है उसके घर में पैसों का भंडार होगा। 133 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। आशा करता हूँ वीडियोस भी पसंद आया, एग्जीक्यूशन भी पसंद आया, और इस कहानी से भी आप लोगों ने प्रेरणा लिए। अगर आप लोगों को लगता है ये कहानी वाकई में आपके दिल को छू चुकी है, तो लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों के घरों में पैसों का भंडार बन सके, और उसके बच्चे, आपके मेरे परिवार के बच्चे हमें अप्रिशिएट कर सके, वाह पिताजी, वाह डैडी, वाह पापा, क्या काम किया है। कहीं ये ना बोले और ये हमारे कानों में ना पड़े कि पापा या फिर मम्मी आपने हमारे लिए किया क्या है। इसी कामना के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट मंथ फिर मिलूँगा 9th वीडियो के साथ, नई इन्वेस्टिंग कहानी और नई कोशिश करेंगे। एलोकेशन करना है नहीं करना वो आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन एलोकेशन करने से इम्पॉर्टेंट अच्छी स्क्रिप्ट को चुनना, कंटिन्यूस इन्वेस्ट करना और उस पर बने रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।